कोरोना से देश भर में हाहाकार है। इसी के तहत पीएम मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुला ली है। मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। कोरोना को काबू में कैसे किया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है, अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की गई है, जिस पर केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कोरोना काल में और भी सख्ती होनी चाहिए। मुसीबत वाली लहर, राज्यों में सख्ती के आदेश। कोरोना से होने वाली मौत के ग्राफ में हालांकि कोई कमी नहीं आई है। लगातार चौथे दिन कोरोना से एक दिन में 4000 मौत हुई। 24 घंटे में कोरोना से 4092 लोगों की जान चली गई। तो एक तरफ जहां पर नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है और मौत का आंकड़ा जस का तस बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इस ग्राफ में कोई कमी दर्ज नहीं की गई। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो तीसरी लहर के किसी भी वक्त दस्तक देने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में डरा देने वाली एक और मुसीबत भी सामने आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। इसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। हालात यह हैं कि अलग अलग राज्यों में 400 से 500 इसके केस आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पाबंदी बढ़ी है। अब 1 जून तक पाबंदियां बढ़ाई गई है, सुबह 7 बजे तक। तो कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी और सभी मंत्रियों ने यह सुझाव दिया था कि लॉकडाउन जैसी सख्ती को बढ़ाना चाहिए और ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 जून सुबह 7 बजे तक पाबंदियां बढ़ेंगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं।